आप तो जानते हैं हमारे हर जन्मदिन पे हम अपने बेटे वीर को तोहफा दिया करते थे। उनके जाने के बाद हमारा कोई बेटा नहीं है। इसे आप ही रखिए। रणवीर बाबा, आपसे आपकी कोई भी चीज कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं। अगर भगवान ने भी कोशिश की तो ये संतु बीच में आ जाएगा। जैसे ही मेरे लिए वीर बाबा थे वैसे ही आप हैं। ये तोहफे आप ही की अमानत है। अरे तोहफे क्या, ये रुतबा, ये महल, ये रानी माँ का प्यार, सब कुछ आप ही का है। लेकिन इस वक्त वक्त आपका नहीं है, इतना मुझे पता है। लेकिन यकीन मानिए, बेटे और माँ की ममता के बीच में ये वक्त भी नहीं टिक पाएगा। ये भी जरूर बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये रख लीजिए। शुक्रिया। रणधीर, आप ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्द ही होगा। सिर्फ 6 दिन बचे हम टाइम। 6 दिन कम नहीं होते रणधीर, मुझे पूरा विश्वास है हम सब कुछ ठीक कर देंगे और फिर रानी माँ आपको यानी अपने बेटे को सचमुच अपना लेंगी। तुम्हें क्या लगता है हमारा बन नहीं करता कि हम सबके सामने ये कहें कि नमन हमारा बच्चा है? नमन, नमन, जी रानी माँ। गाड़ी निकालिए, हमें मीटिंग के लिए जाना है। जी गाड़ी तैयार हो जाएगी। रानी माँ एक बात पूछे आपसे, मतलब आपके बेटे को गए हुए इतना वक्त हो गया फिर भी आप उसे इतना याद करती हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को इतना ही प्यार करते हैं, अपने बेटे को नाम से बुलाने में शर्म नहीं आती ना माँ बाप को? तुमने शराब पी रखी है? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हमारे सामने शराब पी के आने की? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं बस पूछ रहा था रानी। अंग रक्षक हो हमारे, लेकिन शराब में इस कदर धुत हो कि खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, हमारी क्या करोगे? हम तुम्हें इसी समय नौकरी से निकाल रहे हैं। विजेंद्र जी, इसे हमारी नजरों के सामने से हटाइए प्लीज। आप ऐसा नहीं कर सकती रानी माँ, आप इन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती। तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा? विजेंद्र जी, कौन आया आपके साथ? कोई नहीं आया है हमारे साथ और हमें कोई चाहिए भी नहीं, हम अकेले आए हैं आपके पास। आप अकेले आए क्यों? और ये इतना सारा सामान? क्योंकि हमने वो घर छोड़ दिया है। छोड़ दिया मतलब? माँ बोलती है कि हमें हॉस्टल जाना पड़ेगा, लेकिन हमें हॉस्टल नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। हमें यही रहना है और हॉकी खेलनी है आपके साथ। हाँ वो सब ठीक है बेटा, लेकिन आपको इतनी दूर यहाँ अकेले ऐसे नहीं आना चाहिए था ना? पर हमें आपके पास आना अच्छा लगता है। अब हमें अपने घर पे रखोगे ना? ये घर आप ही का घर है, आप जब चाहे यहाँ तब आकर रह सकते हैं, लेकिन असल घर तो वही है ना आपका, जहाँ आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं,
आप बिना बताए यहाँ आ गए हो, कितने परेशान हो रहे होंगे। आपको मालूम है एक माँ अपने बच्चे के बिना बहुत परेशान हो जाती है। माना हम समझ गए। क्या समझ गए? क्या बड़ी बड़ी बातें करके हमें टाल रहे हैं? नहीं माना, कैसी बात नहीं है। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ अपने पास ही रख लूँ। तो रख लो ना अपने पास, किसने मना किया आपको? पर ऐसा नहीं होता ना माना। मैं आपके माँ बाप को दुखी तो नहीं कर सकता ना। आपके मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे होंगे। अब आप अच्छे बच्चे की तरह वापस चलोगे और आप फिक्र मत करो, मैं आपके पिता से बात करूंगा, वो आपको हॉस्टल नहीं भेजेंगे। पक्का? पक्का। आप बहुत 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 अच्छे हो, मुझे मालूम है। अच्छा चलो अभी घर वापस चलेंगे। हैं? महल में भी देख लिया, महल के पास भी देख लिया, नहीं मिले कहीं। चाची जी, माँ बहुत लोगों से पूछा मैंने, लेकिन किसी ने भी उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। लेकिन चाची आप फिक्र मत कीजिए, मानक मिल जाएगा। हम उसे ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारा भाई खो गया है, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम कौन हो और इस घर में तुम्हारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कहीं सबके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? अरे कम से कम घर के बच्चों को तो परेशान नहीं करते। विजेंद्र जी, आप हमारी तरफ से थाने में रिपोर्ट लिखवाइए और जो कोई भी सबके पीछे है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सब जगह मुझे कहीं नहीं मिला, मैं जानता हूं इन सबके पीछे किसका हाथ है। वही लेके गया मेरे मानक को। कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? उदय। वही ले गया होगा मेरे मानक को, वही ले गया होगा। पर बिंदु, उदय ऐसा क्यों करेगा? हाँ चाची जी, पर आप उदय पे क्यों शक कर रही हैं? क्योंकि अब चाची जी, बिंदु, बिंदु जी, ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका बस था। ये तुम्हारा नहीं, हमारा बच्चा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।